फ्रेंड इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे आपका कंप्यूटर का नेट प्रोटेक्टर अनइंस्टॉल कर सकते हो। ज़्यादातर क्या है जो नेट प्रोटेक्टर होते हैं फ्रेंड वो अनइंस्टॉल नहीं होते, तो इस पर पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगा आप कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आपका जो कंट्रोल पैन है उसमें क्लिक कर लेना कंट्रोल, फिर इधर से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना तो आपका आसान होगा। तो इधर में जाके फ्रेंड अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना और इधर में जहाँ पे आपका नेट प्रोटेक्टर है तो वहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड वहाँ पे डबल क्लिक कर देना। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे नेट प्रोटेक्टर है, फिर फ्रेंड इधर से आप यस कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद वो उसका जो पूरा चार्ट है फ्रेंड इधर में शो करेगा, तो आप रीज़न बताने के लिए बोलेगा कौन सा रीज़न के लिए आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो अदर में क्लिक कर देना। सिंपली दूसरा कुछ देखने का भी ज़रूरत नहीं, फिर नेक्स्ट कर देना। करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, फिर आपका फ़ोन नंबर एंड क्यों अनइंस्टॉल कर वो पूछेगा। तो फ्रेंड इधर में पूरा फिलअप कर देना, आप पहले ही जो देख के टाइप किया था सेट किया था वही देना पड़ेगा। दूसरा कोई अगर उल्टा सीधा देगा तो नहीं लेगा, तो फ्रेंड एक क्यों अनइंस्टॉल करने का जरूरत पड़ती है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी नेट प्रोटेक्टर की वजह से आपका जो कंप्यूटर है फ्रेंड ज़्यादातर हैक हो जाते हैं। फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हैं तो और ज़्यादातर आप दिक्कत देते क्योंकि इंस्टॉल नहीं होता है, डाउनलोड तो हो जाते लेकिन इंस्टॉल नहीं होता है। और फिर भी दूसरा प्रॉब्लम एक तो आपका कंप्यूटर को स्लो कर देते, फिर अगर कोई अपडेट करने का ज़रूरत पड़ते, फिर आपका कोई एक्टिवेशन करने का ज़रूरत पड़ते कंप्यूटर में तो वो नहीं करने देते, ज़्यादातर दिक्कत देते रहते। लेकिन दोस्तों पहले तो मैं एवास्ट यूज़ करता था, उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये नेट प्रोटेक्टर लगभग 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देते रहते। तो मैं सोचता ये डिलीट कर दे और आपको भी बता दूँ कैसे आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे वही फिलअप करना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी प्लस आपका नेम एंड आपका मोबाइल नंबर, आप जो पहले से आप डाल के रखा है, आपका डिलर आईडी दे के रखा है, जो आईडी दे के आप लॉगिन किया था वही आपको इधर में डालना पड़ेगा फ्रेंड। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूरा का पूरा डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे फिर ओके कर दूंगा। अब फ्रेंड इधर में देख सकते हैं ओके करने के बाद फ्रेंड इधर में यस में क्लिक कर देना। आप पढ़ना चाहते तो यहाँ पे पढ़ भी सकते, फिर आपका जो अनलिस्टर का जो प्रोसेसिंग है फ्रेंड वो इधर से चालू हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम लेते क्योंकि इतना आसानी से अनलिस्टर नहीं हो तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लेगा। फिर अनलिस्टर होने के बाद आपको इधर में चेक कर लूँगा फ्रेंड, आप देख सकते हैं मेरा अनलिस्टर हो गया। यहाँ पे कहाँ पे भी आपको नेट प्रोटेक्टर का जो सॉफ्टवेयर का यह है वो नहीं दिखाई देगा, तो अनइंस्टॉल हो चुका है। तो फ्रेंड इतना आसानी से आप भी नेट प्रोटेक्टर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले कोई भी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।